बीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पावर पॉइंट का एनिमेशन वीडियो था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस पावर पॉइंट के जो एनिमेशन के जो सबसे जो फेमस जो पावर पॉइंट रहा वो ये रहा, तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि सर हमें ये बताइए कि हम इसमें क्या स्लाइड एनिमेशन जोड़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कैसे कर क्या कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम आज आपको कुछ वीडियोस लेके आए हैं, आप सबको दिखाने जा रहे हैं कुछ अच्छे वीडियोस और एनिमेशन मैंने ऐड किए हैं। और उन सारे जितने भी लोगों की क्वेरीज थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने लोगों की क्वेरीज थी कि हमने पावर पॉइंट के एनिमेशन को स्लाइड में कैसे जोड़ें और किस तरह से हम एक प्रेजेंटेशन अच्छा सा बना पाए या वीडियोस को एनिमेशन बना पाए, तो आपके एंटरटेनमेंट्स और जो एजुकेशन के पर्पस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और कुछ भी क्लिप आर्ट्स जो भी यूज हुई हैं, तो जो भी इमेज यूज हुई हैं वो सब इमेज वगैरह का क्रेडिट जो है जो जिन्होंने ये बनाया है उन्हीं को जाता है। इसमें बस हमने अपने इफेक्ट्स लगाए हैं। तो चलिए अपने वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है किस वीडियो में। आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे जो भी मेरे पॉपुलर एनिमेशन रहे हैं, पावर पॉइंट के वीडियोस रहे हैं, तो मैंने उनको एक साथ जोड़ दिया है आज आपके लिए। यहाँ देख सकते हैं मैंने एलिफेंट को जोड़ा हुआ है। एनिमेशन को और एलिफेंट को भी हमने थोड़ा सा जोड़ा हुआ है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यहाँ पे भी हमने थोड़ा कुछ एनिमेशन सिटी के मैंने कार जोड़े हुए हैं। तो अगर वो भी हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है पहले, अगर इन वीडियो को हमारे पावर पॉइंट एनिमेशन नहीं जाना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इनको देख सकते हैं मैंने उनको कैसे डिजाइन किया, कैसे बनाया है, एक एक करके बनाया है। आज मैंने इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमने इन तीनों को कैसे जोड़ा और इन तीनों को जोड़ने के बाद इनमें क्या क्या इफेक्ट्स लगाए हैं। मैंने तीनों अलग अलग स्लाइड को मैं कैसे एक साथ हमने जोड़ा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड हमने ले लिया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया हमने यहाँ पे और क्रिएट पर क्लिक कर दिया। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे ब्लैंक पर क्लिक कर दिया। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो भी स्लाइड हमारी पहले बनी हुई थी उनको अलग अलग जगहों पे रख लिया, यानी अलग अलग फाइल पे रखी हुई है। तो हम यहाँ पे जाते हैं न्यू स्लाइड पर जाकर क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड पर क्लिक करने के बाद रीयूज स्लाइड पर क्लिक करेंगे। रीयूज स्लाइड करने के बाद हम यहाँ पे ब्राउज पर जाते हैं, यानी ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ब्राउज फीचर्स पे क्लिक करेंगे हम, हमारे जो लोकेशन होंगी फाइल की वो हमने जगह पे स्टोर कर रखी है, तो हम आपको अपने जो भी लोकेशन है वहाँ पे लेके चलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स पे हमारे यहाँ देखिए, पहले हमने यहाँ पे कार रखा हुआ, तो हमने देखिए कार पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने क्लिक किया और जैसे देखिए अब कार पे आ गया, तो हमको इसको इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गया इंसर्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ और स्लाइड जोड़ेंगे अलग अलग स्लाइड पे, ब्राउज फाइल पे जाकर हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे जाकर हम यहाँ पे थोड़ा सा व्यू पे लेआउट खोल लेते हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि हमारी कौन सी स्लाइडें हैं। तो हम यहाँ पर अगले स्लाइड बनाते हैं पावर पॉइंट बैकग्राउंड्स की, इसको भी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने ब्राउज स्लाइड पर क्लिक कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे एनिमेशन सिटी पर जाकर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये तीनों स्लाइडें हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों फाइलें एक साथ में हो गई। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ही जाकर सेव एज पर क्लिक करेंगे, तो आपको आसानी से एक न्यू स्लाइड, यानी हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पर प्रेजेंटेशन तीन या न्यू स्लाइड के नाम से हमने इसको फाइल को सेव कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम आपको F5 करके ये प्रीव्यू दिखाते हैं। F5 प्रेस करेंगे तो हमने ध्यान देते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ भी कोई खास नहीं है, बस वही है नहीं है। अब ये पिक्चर्स कैसे आएंगे, बारी बारी से कैसे आएंगे, इसके बाद वो कैसे आएगा, तो हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं कि कैसे हम आपको एनिमेशन लेके आएंगे। तो ये देखिए पिक्चर हमारी चल रही पहली स्लाइड, फिर ये हमारी दूसरी स्लाइड, जब हमने क्लिक किया तब ये स्लाइड आ रही है। तो यहाँ पे अभी देखिए एलिफेंट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ है नहीं है, तो इसमें मैं नए इफेक्ट जोड़ने जा रहा हूँ। तो ये आप
वीडियो को पूरा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सुनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिटीज केवल बनी हुई है, एलिवेशन एक बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं बना हुआ है। तो इसमें हम कार वगैरह कैसे लगाने जा रहे हैं वो सारी चीजें हम आपको एक बारी बारी से बताने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको स्केप करके हम वापस आते हैं। तो सबसे पहले अपनी स्लाइड पहली स्लाइड पे जाते हैं। सबसे पहले पहली स्लाइड पे जाएंगे और जो लड़का ये जो रन कर रहा है इसको मैंने यहाँ पे नीचे इंसर्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम अपने पहले स्लाइड पर काम करेंगे। तो पहले स्लाइड पर काम करने के लिए हमने यहाँ पे इसको, चूंकि अब कैमरे के फेस में ये लड़का थोड़ा सा हमारे करीब आ गया, तो इसके लिए जूम जो है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर एलिफेंट को हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो एलिफेंट के लिए हमने यहाँ पर अपनी जो इमेजेस फाइल है वो हमने यहाँ पे ले ली है। ये देखिए, यहाँ पे इमेज ले लिया मैंने और इस तरह से हमने इसको इसको हमने रिसाइज कर दिया। देखिए तो जैसा कि हमको ये दिखाना है कि कैमरे एलिफेंट को देख के कैमरा जो कार है वो रुक गई है और स्लोली एलिफेंट के साथ रिकॉर्डिंग करते हुए जाए, तो हमें ये शो कराना है। तो हमने यहाँ पे इसको शो कराना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हमें जब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, एनिमेशन पे जाएंगे और प्रीव्यू करके देखेंगे तो देख सकते हैं। ये देखिए आराम से आपको स्लाइड है। अगर आपके क्वेरी किसी बॉयज के साथ है कि हाँ ये बॉयज तो उस पर चढ़ रहा है या कुछ भी है, तो आप इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपने हिसाब से किताब से एडजस्ट कर देंगे। हम केवल आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। फिर ये हमने सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पे F5 करके देखेंगे तो देखिए आराम से आप यहाँ पर। तो अब चूंकि ये जब तक साउंड चलता रहेगा, म्यूजिक चलती रहेगी, तब तक ये स्लाइड हमारी ऑटोमेटिक नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं। ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करते हैं। अप्लाई टू ऑल स्लाइड, यानी जो भी स्लाइड है हमने सब पे लगा दिया है। और यहाँ पर ऑन क्लिक, जो ऑन माउस क्लिक है तो उसको हटा देते हैं ताकि वो जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक अपने मन से स्टार्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे आपको F5 करके फिर से दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ भी इफेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनिमेशन पेन पे जाते हैं, एनिमेशन टैब पे जाएंगे, एनिमेशन पेन को ओपन कर लेंगे। एनिमेशन पेन पे क्लिक करने के बाद जो हमने म्यूजिक लगाई सबसे ऊपर, इस म्यूजिक को हम यहाँ पे विद प्रीवियस के साथ हमने यहाँ पे कुछ इफेक्ट दे दिया। हमने इफेक्ट्स ऑप्शन पे जाकर इसके टाइमिंग सेट कर देते हैं, फ्रॉम बिगनिंग और टाइमिंग सेट कर दिए यहाँ पे कि किस तरह से हमारी ये चले। और हमने सारी स्लाइडों पर अप्लाई टू ऑल का एनिमेशन लगा दिया, यानी सब पे हमने ऑन क्लिक को हटा दिया। देखिए यहाँ पे हमने ऑन क्लिक के हटा दिया, देखिए। और उसके बाद अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। जो एनिमेशन है उसके हम सॉन्ग पर जाके और सॉन्ग पर हमने क्लिक किया, इफेक्ट ऑप्शन पर डाल दिया, टाइमिंग डाल दिया हमने। तो टाइमिंग पर डालने के बाद हमने यहाँ पर आफ्टर कर दिया, यानी जो भी स्लाइड हमने यहाँ पर क्लिक करी है तो इस पर हमने कहा कि आपकी जितने भी स्लाइड लगे हैं ये म्यूजिक जो है वो तब तक चलती रहे, यानी वो एक ही स्लाइड पर ना लागू हो, सब पर लागू हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और टाइमिंग वगैरह भी जो अपने सेट करना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 स्लाइड हमने यहाँ पर दे दिया, 5 स्लाइड तक ये म्यूजिक चलती रहे, ओके कर दिया और हम प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं। आपने देखा कि दूसरी स्लाइड बहुत कम समय के लिए चली और तीसरी स्लाइड भी बहुत कम समय के लिए चली। इसके साथ साथ आपने देखा यहाँ पर हमने हम यहाँ पर जो ये जो आपको आउटलाइन दिखाया जाए प्रीव्यू पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर हमने जब जो ट्रांजिशन पे गए तो यहाँ पर हमने ऑन माउस क्लिक हटाया और आफ्टर पर क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे ऑन माउस क्लिक हटाया तब आफ्टर पर क्लिक किया और यहाँ पर ऑन माउस क्लिक हटाया और आफ्टर पर क्लिक किया। और उसके बाद हमने उसके पहले हमने म्यूजिक पर मैंने ये सेटिंग करी, आप लोगों ने देखा।
तो ये तीनों चीजें बहुत कॉमन होनी चाहिए, तभी ये स्लाइड ऑटोमेटिक प्ले करेगी, नहीं तो प्ले नहीं करेगी और म्यूजिक ही चलती रहेगी। तो आप इसके लिए करते हैं, तो अब आते हैं यहाँ पे, हमने पहली स्लाइड पे मेरे काम पूरा कर लिया है, अब सेकंड स्लाइड पे मैंने काम पूरा करना है। तो हम यहाँ पर सेकंड स्लाइड पे क्या करना है, तो सेकंड स्लाइड पे हमने करने के लिए, जैसे मैं अपने एलिफेंट्स को मैंने आपको वहां पे दिखाया था आपको प्रीव्यू में, तो हमने यहाँ पे एलिफेंट को भी हमने यहाँ पर भी रख दिया ताकि वो जो एलिफेंट है वो इस लड़के के पीछे, यानी इसका फ्रेंड है तो ये इसके पीछे आता रहे। तो हमने इसको एनिमेशन में सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और इसके बाद हमने इस सेटिंग को करने के बाद हमने इस पर एनिमेशन लगाया। एनिमेशन लगाने के बाद एड एनिमेशन पर क्लिक किया, और एंड एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद मोर मोशन पाथ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर मोर मोशन पाथ पर हमने क्लिक करने के बाद हमने राइट पर क्लिक कर लिया, यानी जो हमने एनिमेशन लगाया कि हम चाहते हैं ये जो एलिफेंट है मतलब इसके साथ चले थोड़ा सा दूर तक। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए अब ये जब हमने क्लिक कर दिया तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया ये। तो हम देखते चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले दूसरी चीज यहाँ पर देख लीजिए कि ऑन माउस क्लिक जो लिखा हुआ है ये विद प्रीवियस आता है, तो विद प्रीवियस जरूर रखिएगा, यानी दूसरी वाली स्लाइड के बाद ये वाला ऑटोमेटिक आ जाए, और इसकी ड्यूरेशन भी थोड़ा कम कर दीजिए पहले। तो यहाँ पर हमने इसकी ड्यूरेशन कम कर दी, और एनिमेशन पेन पे जाकर हम यहाँ पे या प्रीव्यू पे जाकर हम इसके प्रीव्यू करके देख लेते हैं। देखिए देखा आपने, तो ये प्रीव्यू हो गया यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इसको फुल मोड में भी करके देख सकते हैं म्यूजिक के साथ में। देखिए एलिफेंट बहुत काफी तेज जो है जा रहा है, तो इसके लिए हमें इसको बहुत स्लोली काम चलाना है। तो हम यहाँ पे एनिमेशन पेज पे जाकर इसको एनिमेशन पेज पे जाकर हमने यहाँ पर इसके जो इफेक्ट्स हैं उसमें हमने कुछ चेंजेस करना है। तो हमने इस वाले जो, चूंकि हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर रखा है, तो आप यहाँ से देखते हैं कि ये सिलेक्ट हो चुका है पिक्चर वन, और इफेक्ट ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, यानी स्मूथ स्टार्ट पर क्लिक करना है और ओके करके यहाँ पे प्ले करके आप देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी स्लोली कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्लोली कर सकते हैं, कोई नहीं। ओके नाउ इट इज सेट। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपनी थर्ड स्लाइड पे काम करेंगे। तो थर्ड स्लाइड पे हमें काम करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और हमने जो वाई है उसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो पिक्चर पे जाकर हमने यहाँ पर वाई के लिए क्लिप आर्ट्स रखने हैं, तो हमने यहाँ पे अपनी जो भी इमेजेस जो मेरे पास रखी हुई मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। और सेम कार्य मुझे भी यहाँ भी करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है हमारा एनिमेशन जो, अब यहाँ पे मैं एलिफेंट को नहीं रखता हूँ क्योंकि वो बहुत पीछे रह गया है, और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और ऐड एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर मोड मोशन पाथ पर जाकर राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये राइट पे हमने किया, और उसके बाद हमने इसको और विद प्रीवियस पे क्लिक कर दिया, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे इसकी भी ड्यूरेशन भाई 10, कम से कम 10 रखेंगे तो थोड़ा स्मूथली आपको दिखेगा कि हाँ ये स्मूथली चल रहा है। और प्ले करेंगे तो आप देखते सकते हैं कि आप प्ले जब करेंगे तो लड़का अभी भागता हुआ जा रहा है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सेट हो जाता है। इसके साथ साथ अब मुझे इस रोड को, जो रोड आपको खाली दिख रही है, तो आपको रोड पर भी कुछ ना कुछ करना होता है, तो आप रोड पे क्या काम करेंगे, चलिए हम आपको रोड पे भी आपको बताते हैं कि कैसे काम करना है।
रोड पे हमने एक कार चलानी है, तो इंसर्ट पर क्लिक करके हमने क्लिप आर्ट पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर हमने कार पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर हमने एनिमेशन लगा दिया, सॉरी कार लगा दिया हमने। और कार लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसके बाद हमने एनिमेशन पे जाकर, एड एनिमेशन पे जाकर, और मोर मोशन पाथ पर क्लिक करके लेफ्ट पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे विथ प्रीवियस लगा दिया, और इसको भी हमने लगभग स्लोली कर दिया देखिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसके इफेक्ट ऑप्शन पर जाकर हमने इसका स्मूथ स्टार्ट बंद कर दिया, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए प्ले करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये कार भी चल रही है, और अगर एक साथ कई कार जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके आप यहाँ पे इसके एनिमेशन को और बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसके देखिए आगे पीछे अपनी कार हो गई है, तो जो भी आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइव करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा प्रीव्यू दिखाई देगा। और अगर आप और चाहते हैं कि कुछ कार में कुछ और चेंजेस हो, कुछ और भी कार आ जाएं, तो वहां पे आप क्लिक करते हैं, और कंट्रोल आपका क्लिक ऑलरेडी है तो आप कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो देखिए कंट्रोल वी करने के बाद हमने कार को और रख दिया, और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पलट दिया, इसके डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया देखिए। और जो एनिमेशन मैंने लगाया था इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेते, तो हमने यहाँ पे एनिमेशन को चेंज करने के लिए इस पॉइंट को, इबलट को पकड़ा, और इसको मैंने इधर डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो आप चाहे तो वहां मोशन पाथ पे भी जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको काम करेगा। आप इसको चेंज कर दीजिए, और इसको जहां पर रखना चाहते हैं इसको आप रख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको रखा, और ये आपके यहाँ पे रख गया, और इसके बाद एक और मैं यहीं पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेता हूँ ताकि ये आगे पीछे चलते रहे। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा बिजी हो गया रोड, सिटी काफी बिजी हो गई है। कार आपके देख रहे हैं पीछे आ रही है सबसे ज्यादा, ये कार जो है मैंने बाद में रखी इसलिए इन गाड़ियों के आगे आ रही है। तो इनको हमने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया एक साथ, और हमने यहाँ पर फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड टू बैकवर्ड जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो दोबारा है वो नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जब हमने प्रीव्यू किया तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है हमारी जो कार है जो वो ऑटोमेटिक आपको बढ़िया से हमारे वेले से चल रही है। तो बैक और फ्रंट का आपको यहाँ पे इश्यू पड़ता है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमेशन मैंने लगाया है उनको एनिमेशन थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, चूंकि हमारी कार वहीं पर जाकर रुक गई है तो हम यहाँ से आगे करके बढ़ा देते हैं। तो हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं, हमारी कार बराबर वहीं चल रही है ठीक है, ओके एक ही रूट पे आ गई। तो यहाँ पे और ये चूंकि ये वाली जो है ओके नाउ वीडियो कंप्लीट हो गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बारी बारी से ऑटोमेटिक आता रहता है। तो मैंने कोई भी माउस के साथ छेड़खानी नहीं की है,
आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बारी बारी से प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक आता है। तो पावर पॉइंट में यही काम होता है सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। इसके अलावा पावर पॉइंट में भी जितने पास और ढेर सारी चीजें हैं मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा और जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं काफी और इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।